और दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं ने भी भारत के आर्थिक मैनेजमेंट की तारीफ की है। इसी महंगाई और कोविड के बावजूद 200 करोड़ फ्री वैक्सीन लगाया गया और बाकी 80 करोड़ लोगों को आज तक भोजन कराया जाता है। तो जब भी चर्चा होती है तो कांग्रेस पार्टी चर्चा करके भाग जाती है। साफ झूठ बोला राहुल गांधी ने, मैं आरोप जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। अभी दो दिन पहले जो सदन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया कि नहीं लिया, बड़े तीखे निम्न स्तर के आरोप लगाए कि नहीं लगाए। ये झूठ क्यों बोला राहुल गांधी ने कि उनको बदने दे रहा था, ये देश को बताना जरूरी है। तो महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। यह है पूरा मामला। मैं पुनः इसको कहूंगा, महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा एक बहाना है, मूल रूप से ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना है। राहुल गांधी जी, आपने लोकतंत्र पर आज बहुत ही शर्मनाक बात कही है, गैर जिम्मेदारना बात कही है। राहुल गांधी को हम क्या कहें, उनकी दादी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, आज मीडिया पर भी बहुत हमला किया उन्होंने, इमरजेंसी में बड़े बड़े संपादकों को जेल में बंद किया गया था, सेंसर लगाया गया था। और राहुल गांधी, याद करिए, आपकी दादी जी ने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी, कुछ याद है आपको? लोकतंत्र की नसीहत हमें देते हैं, अरे राहुल गांधी आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आपकी पार्टी में लोकतंत्र है क्या? आई रिपीट, मिस्टर राहुल गांधी, प्लीज रिप्लाई टू द स्ट्रेट क्वेश्चन, डू यू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी विद इन योर पार्टी? आपकी पार्टी में अच्छे नेता हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन बस सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, ये दो तीन कहानी है। आपकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बार बार हारती है। कांग्रेस पार्टी को अगर जनता वोट नहीं देती है तो कृपया करके लोकतंत्र पर क्यों आप ठीकरा फोड़ते हैं राहुल गांधी? Why you blame democracy when the people of India reject you with repeated regularity? अब इसके लिए हम कहां से जिम्मेवार है भाई? 19 के चुनाव में आपने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर क्या क्या नहीं कहा, जिन शब्दों को हम कह नहीं सकते, चौकीदार को लेकर उन्होंने क्या क्या शब्द नहीं कहा, देश ने रिजेक्ट कर दिया, आपको और कस के हरा दिया, हमें और बहुमत दे दिया, आपकी बहन गई उत्तर प्रदेश में, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर के तो जनता ने आपको एक सीट नहीं दिया, आप बंगाल गए वहां आप साफ हो गए। राहुल जी, अगर आपकी बात जनता सुनती नहीं है तो आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? ये खींच करना बंद करिए। सही सवाल यह है कि कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र था, democracy under Congress party had become an epitome of corruption. आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता के गलियारों में बिचौलियों के लिए दरवाजे बंद हैं, डिफेंस डील में कोई कट नहीं होती। कांग्रेस पार्टी और उनका जो पूरा तंत्र है जो भ्रष्टाचार पर चलता रहा है वो परेशान है, और उसकी व्यथा राहुल गांधी की बातचीत में दिखाई पड़ती है।
राहुल गांधी ने कहा मैं सत्य बोलता हूं, बहुत कस के कहा हूं मैं। तो राहुल गांधी अगर आप इतना सत्य बोलते हैं तो एक बार देश को बता दीजिए आप बेल पर क्यों हैं। आई रिपीट, इफ राहुल गांधी वॉज प्राउडली क्लेमिंग दैट ही स्पीक्स ट्रूथ एंड ओनली ट्रूथ, मिस्टर राहुल गांधी प्लीज टेल द नेशन व्हाई आर यू ऑन बेल एंड इन व्हाट ऑफेंस आर यू ऑन बेल। आज देश को बताना जरूरी है ये पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है, ये पूरा केस हमारी सरकार के आने के पहले फाइल है और हमारी सरकार के आने के पहले इस पर मजिस्ट्रेट के यहां कंप्लेंट हुआ और कंप्लेंट होने के बाद उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और कॉग्निजेंस लेकर करके क्या आरोप लगा, 420 धोखाधड़ी, नेहरू जी के समय का था, नहीं चल पाया, 80 करोड़ से ऊपर की देनदारी थी। 2010 में एसोसिएटेड जर्नल जो अखबार निकालता था उसने इस पूरे को यंग इंडिया को शेयर दे दिया, सिर्फ 5 लाख रुपए जमा किए गए थे याद करिए, जिसमें ये यंग इंडिया बनी थी। यंग इंडिया के डायरेक्टर्स कौन थे, सोनिया जी 38%, राहुल गांधी 38% और बाकी मोतीलाल जी और ऑस्कर फर्नांडिस जो नहीं रहे दुनिया में। इन्होंने मात्र 50 लाख रुपया दिया कांग्रेस पार्टी को, नेशनल हेराल्ड को, और कांग्रेस पार्टी ने 80 करोड़ का लोन माफ कर दिया। वो 50 लाख रुपये भी मीडिया में चर्चा है, हवाला से आए, तो अर्थात मात्र 5 लाख रुपये लगाकर 5,000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, पटना में, मोहाली में, सब इस फैमिली कंट्रोल ट्रस्ट में आ गई। यही तो कहानी है, क्या सच्चाई नहीं कि राहुल गांधी और सोनिया जी दिल्ली हाईकोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए गए, वहां रिजेक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट गए वहां रिजेक्ट हो गया, तो बेल लेना पड़ा, बाद में इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई,